बहुत ही तलखीस के साथ अगर हम सेंटर के फ्यूचर के हवाले से बात करें तो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि हम इस वक्त जो अपने प्रोग्राम्स जिनको हम पायनियर कर रहे थे, जो हम लेकर के चल रहे थे, उनके अंदर हमें सस्टेनेबिलिटी मिली है। हम इस सस्टेनेबिलिटी को क्वालिटी के साथ मजीद आगे लेकर के जाएंगे। क्रॉस कट प्रोग्राम्स के अंदर हम मजीद ताउन करेंगे जिन पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर का बैनर लेकर के आगे बढ़ेंगे। एनर्जी के प्रोग्राम्स के अंदर हमारा मजीद अमल दखल हमें फ्यूचर में नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं जिनका बराह रास्त इम्पैक्ट है नेशनल इकोनॉमी के ऊपर, उनमें हमारा रोल बड़ा अहम होगा। अगर हम बात करें सेंटर के फिजिकली जो है वो आगे बढ़ने की, तो हुकूमत पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें एक मेगा PC1 की सूरत में दो इम्पॉर्टेंट फैसेट्स के ऊपर हमें सपोर्ट किया। एक हमारी कैपेसिटी बिल्ड की इक्विपमेंट के हवाले से, और दूसरा ये कि अगले साल उन्हीं के तामन से हम एक बड़ी फैसिलिटी में शिफ्ट हो रहे हैं जो 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर उसका रकबा है, और उसमें हम क्लास 10,000 टू क्लास 100 का एक पूरा बड़ा क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। वो भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन साबित होगा।